हेलो स्टूडेंट्स, हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं आइडियल डिस्टेंस, तो आइडियल डिस्टेंस हम देखें तो एक्चुअली इसका नया मतलब दूसरा देखा जाए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करते हैं। तो आइडियल डिस्टेंस कैसे, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारी जगह की ऊंचाई हम नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते, हाइट वगैरह मेजर नहीं कर सकते, तो उनकी हाइट मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। जैसे कि आप देखिए डायग्राम नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बर्ड बैठा हुआ है ओके, और यहाँ पे आपको ये डॉग नजर आ रहा है। तो ये डॉग है, अगर इसकी आईज लेवल से हम देखें, अगर ये इस बर्ड को देखेगा तो इसकी आईज लेवल से इसके ऊपर जो एलिवेशन एंगल बनेगा इसके ऊपर, ये एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इस चैप्टर में यूज आएगी इस यूनिट के अंदर। और अगर ये बर्ड इस डॉग को देखेगा तो इसके आई लेवल के साथ जो ये एंगल बनेगा, ये बनेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो इससे से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखते हैं अब आगे। अब देखिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या है आपका, अ टावर इज वर्टिकली प्लेस्ड और अ हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पे हो गया आपका क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया ये भी। टावर, टावर की बात करें टावर हो गया आपका क्या बीसी। देन आपको इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन हमेशा यहीं से लिया जाएगा 30 डिग्री, एंड लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर इज 45। जो शेडो है टावर की ये वो आपकी कितनी गिवन है 45। आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। तो नॉर्मली हम देखते हैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल एबीसी फाइंड क्या करना है, वो हमेशा ऊपर लेना है आपको, फाइंड करना है बीसी। गिवन क्या है आपको, एबी ओके, तो बीसी अपॉन एबी अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। तो अब आपको हमेशा ये याद रखना है, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, नहीं याद देख लीजिएगा साइन cos, tan, cosec, sec and cot। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो P upon H, P upon B, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो आपके पास कितना हुआ, कितना होगा P upon B, P upon B tan थीटा। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए BC, BC की वैल्यू कितनी है आपके पास H, और AB की वैल्यू 45, tan थीटा 30 डिग्री, h tan 30 की वैल्यू 45/√3। ओके, अब रूट थ्री अपॉन में आ रहा है तो हम जानते हैं रेजोल्यूशन करना होगा, √3/√3 45 √3/3। आपकी जो हाइट है मीटर में तो आ जाएगी, तो 15√3 मीटर चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, 15√3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732, तो 15 से 1.732 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं 26 मीटर अप्रोक्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अपर पार्ट ऑफ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड स्टॉर्म, मींस एक तूफान आया और एक पेड़ टूट कर गिर गया। तो पेड़ जो टूटा है वो मिड में से कहीं से टूटा है, तो इट मींस हमने मान लिया जो पेड़ की टोटल हाइट है वो हमने क्या मान ली, ये आपका कंप्लीट ट्री, जिसकी हाइट क्या होगी h1+h2, क्योंकि जहां से टूटा है वहां से वहां तक हमने क्या ले लिया है h1, और ये ऊपर वाली हाइट क्या होगी h2, मींस यहां से टूटकर इधर आ गया है ये पार्ट टूटे आपके। आपको फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, मींस जो फाइंड करना है वो h1+h2 फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल
अगर देखा जाए क्या है ए बी सी, ओके तो आपके क्या होगा यहाँ पे, पहले एच वन फाइंड करना होगा। तो एच वन क्या है आपके पास बी सी, एंड ई वन क्या है ए बी। तो यहां देखिए वापस क्या आएगा, पी अपॉन एच सॉरी पी अपॉन बी, पी अपॉन बी क्या होगा टेन थीटा। तो बी सी की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, एच वन, ए बी की वैल्यू 10 और 10 60 डिग्री, क्योंकि एंगल आपको जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। एच वन इज इक्वल टू 10 60 की वैल्यू रूट थ्री, इसमें जस्ट आ गया 10 रूट थ्री। इसी तरह अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, अब हमको फाइंड क्या करना है, एच टू, एच टू तो H2 क्या है आपके पास वो देख लीजिए, AC अपॉन AB, ओके AC अपॉन AB। तो अब नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये तो है हाइपोटेनियस और ये है बेस, तो पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। एच अपॉन बी क्या होगा, sec थीटा, sec थीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, AC, AC कितना है H2, AB कितना है 10, sec 60, H2 is equal to 10, sec 60 की वैल्यू, sec 60 की वैल्यू याद नहीं है तो आपको किसकी, sin 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए। sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1 upon 2, ओके तो इट मींस cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1 upon 2, तो sec 60 की वैल्यू क्या होगी इसका रेसिप्रोकल, इट मींस ये कितना है 2, कितना हुआ 20 मीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, दोनों फाइंड हो गया, आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्री कितना है, एच वन प्लस एच टू, तो 10 रूट थ्री प्लस 20, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए 10 इंटू 1.732 प्लस 20, यहाँ पे आ जाएगा 17.32 प्लस 20। तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 37.32 मीटर आंसर। तो इस तरह से एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। अनफिनिश्ड टावर का मतलब कह सकते हैं कि ये टावर यहां तक तो बन चुका है, ओके तो इसको मैं यहां पे एक्स न लेके एक्स ले लेता हूं, पर यहां तक बनना बाकी है, ये बात है। और आपका जो विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर, तो ये पॉइंट जो है यहां से कितना अवे है 120। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू इंक्रीज सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट बिकम्स 3, मींस इस पॉइंट से अनफिनिश्ड टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है, और इसको हाइट कितनी और बढ़ाई जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए टोटल उसी पॉइंट से 60 डिग्री। तो आपको y फाइंड करना है, तो अगर देखिए सबसे पहले तो x और x फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल p अब नेक्स्ट देखा जाए अपने पास ट्राइंगल दूसरा कौन सा बच रहा है, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है, तो ये पूरा ट्राइंगल लेना होगा आपको, ओके ये पूरा ट्राइंगल लेंगे पी क्यू एस, क्या ट्राइंगल है ट्विन ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्विन ट्राइंगल पी क्यू एस में आपको फाइंड करना है क्यू एस, ओके क्यू एस अपॉन गिवन है आपको पी क्यू,
तो यहाँ पे भी देखा जाए तो ये पी एफ ऑन पी ही आएगा टेन सिक्सटी। इसके अकॉर्डिंग देखें यूएस की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई पूरा कितना होगा, ये एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन पी क्यू 120 टेन आपका हो गया 60। एक्स प्लस वाई 120 और 1060 वैल्यू रूट थ्री 120। अब आपको क्या करना है, यहाँ x की वैल्यू है यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू, तो अब आपको जो एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सेकंड इसको नाम देते हैं इसको फर्स्ट और इसको हमने सेकंड नाम, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 120 अपॉन रूट थ्री प्लस y इक्वल्स 120 रूट थ्री। इसको सॉल्व करें y इज इक्वल टू कितना आएगा, 120 रूट थ्री माइनस 120 अपॉन रूट थ्री, एलसीएम लिया जाएगा रूट थ्री 120 रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री माइनस 120 360 माइनस 120 रूट थ्री 240 अपॉन रूट थ्री, रेशनलाइजेशन करेंगे रूट थ्री 240 रूट थ्री अपॉन थ्री, थ्री से ये 80 मल्टीप्लाई रूट थ्री की वैल्यू रख देंगे 1.732। ओके तो आपके पास आंसर आ जाएगा मतलब इसकी हाइट आपको 138.56 मीटर और बढ़ानी है। आपको खाली यही पूछा गया है हाउ मच हाइट इंक्रीज, अगर ये भी पूछा होता है कभी इसकी हाइट कितनी है तो आपको x की वैल्यू भी फाइंड करनी होती जो कि आपकी डायरेक्ट नोटी पे आ चुकी है, अगर सॉल्व करना चाहे तो इसको रेशनलाइज करके आप सॉल्व करके उसकी हाइट भी फाइंड कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो। ओके अदरवाइज नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट सिचुएटेड 100 मीटर फार फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। नॉर्मल क्वेश्चन है, टावर की हाइट फाइंड करनी है आपको। ओके तो आप ये सेल्फ करेंगे क्वेश्चन, आई थिंक सो मेरे को एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस क्वेश्चन में आपको ओनली टावर की हाइट ये फाइंड करनी है। गिवन है तो ए बी अपॉन बी सी 10 थीटा 10 30 की वैल्यू रखकर इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करेंगे, और अगर प्रॉब्लम होती है तो मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पिलर, तो आपका पिलर क्या हो गया, पिलर जो है वो क्या हो गया है ए बी, और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 50 डिग्री, मीन्स एक ग्राउंड पे किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है आपका 50 डिग्री। ओके ऑन वॉकिंग 100 मीटर अगर ये पॉइंट बी से कहां पे आते हैं सी की तरफ तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है 100 मीटर towards the tower, the angle of elevation is found to be 30 degree. Means C point पे आने पर इसका angle of elevation क्या हो जाएगा 30 degree. तो अब आपको क्या find करना है? Find the height of the tower, where 1050 is equal to 2 minus root. आपको ये distance भी given नहीं है। अब आप देखिए total distance कितनी होगी वो भी आप देख लीजिए। X plus 100 क्योंकि हमने ये कितनी ली है यहाँ से यहाँ तक x ली। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल हम ले रहे हैं ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 10 थीटा क्योंकि यहाँ पे बी अपॉन बी, तो आपके पास क्या आएगा जिसको अपन ने कुछ लिया नहीं है इसको क्या ले लेते हैं एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 30, एच इज इक्वल टू x 10 30 वैल्यू 1 अपॉन रूट थ्री, तो x अपॉन रूट
ट्री। अब नेक्स्ट देखते हैं इन ट्राइंगल एबीडी, तो एबीडी की बात करते हैं, एबीडी में भी आपको क्या है एबी फाइंड करना है और आपके पास बीडी। ओके तो ये भी कितना होगा टेन थीटा, तो एबी की वैल्यू एच, बीडी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एक्स प्लस 100। ओके तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसका आ जाएगा आपके पास टेन फिफ्टीन, तो टेन फिफ्टीन की वैल्यू क्या है टू माइनस रूट थ्री, तो आप इस वैल्यू को पुट करेंगे, देखिएगा जब ध्यान से h इक्वल्स x प्लस 100 मल्टीप्लाई टू माइनस रूट थ्री। ओके अब इस तरह से ये करना है आपको, यहाँ पे हम देखें तो हमको जो एक्चुअल में फाइंड करनी है फाइंड हाइट ऑफ द टावर, क्या फाइंड करना देख लीजिए हाइट ऑफ द टावर, तो इट मीन्स इस x से कोई लेना देना है ही नहीं, लेना देना है ही तो उसको लेकर क्यों चला है? तो हम क्या करते हैं यहां से x की जो वैल्यू है, यहां से x कितना आएगा रूट थ्री एच, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा x इक्वल टू रूट थ्री एच। ओके तो हम क्या करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर क्या रहे हैं एक्चुअल में फर्स्ट से सेकंड में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी एच, यहां पे x की जगह क्या आएगा रूट थ्री एच प्लस 100 और 2 माइनस रूट थ्री। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले रूट थ्री एच का 2 से मल्टीप्लाई, टू रूट थ्री एच, रूट थ्री एच का रूट थ्री से मल्टीप्लाई तो माइनस थ्री एच प्लस 100 का 2 से प्लस 200, 100 का रूट थ्री से माइनस 100 रूट। अब आप एच एच को एक साइड ले लीजिए बाकी सबको एक साइड, तो इधर एच ऑलरेडी है प्लस थ्री एच माइनस टू रूट थ्री एच इक्वल्स 200 माइनस 100। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ, यहीं पे सॉल्व करेंगे आप, ध्यान से देखिएगा तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे देखिए 4h माइनस टू रूट थ्री एच इक्वल्स इसमें से 100 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 माइनस रूट। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से क्या चीज आ रही है आपके पास, h कॉमन आ रहा है 2 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा 2 माइनस रूट थ्री इक्वल्स 100 2 माइनस रूट, तो यहाँ से h रहने देते हैं बाकी को डिवाइड मिल जाते हैं 100 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2, 2 भी डिवाइड में आ गया 2 माइनस रूट थ्री भी डिवाइड में आ गया, देखिए 2 माइनस रूट थ्री से 2 माइनस रूट थ्री का आंसर 100 अपॉन 2 50, 50 मीटर आपकी जो हाइट आ गई वो हाइट ऑफ द टावर या हाइट ऑफ द पिलर जो भी बोलिए, पिलर की हाइट कितनी आ गई है 50। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 40 मीटर, मींस शैडो जो है टावर का वो इंक्रीज हो गई, उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है, कितनी इंक्रीज हुई है 40 मीटर, मींस पहले जो भी उसकी लेंथ थी उससे अब लेंथ क्या हो गई 40 मीटर बढ़ गई है। ओके तो जैसे कि अपन देख रहे हैं ये टावर है, तो टावर क्या है आपका वर्टिकल टावर ए बी, शेडो पहले कितना था, पहले शेडो था एक्स मीटर, अब इंक्रीज हो गया कितना, इंक्रीज कितना हो गया 40 मीटर इंक्रीज हो गया, तो अब शेडो की लेंथ क्या हो गई है एक्स प्लस 40 मीटर। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो नॉर्मल सा अगर देखें अपन तो इन ट्राइंगल ए बी सी सबसे पहले लें, तो ए बी अपॉन बी सी, बात को ध्यान समझ लीजिएगा, पहले एंगल जब क्या था 60 तब तो एंगल जो शेडो था वो एक्स मीटर था, और अगर एंगल कितना हो गया 30 तो शेडो की लेंथ बढ़ गई, ठीक है ये ध्यान रखिएगा, फाइंड हाइट ऑफ द टावर ए बी अपॉन बी सी टेन थीटा, एच हाइट ऑफ द टावर बी सी कितना है
x 10 60 10 60 के लिए आपके पास रूट थ्री, तो x रूट थ्री क्वेश्चन फर्स्ट उसको नेम दे देते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए बी डी, तो ए बी डी में आपके पास ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टेन थीटा। अब पी अपॉन एच बी अपॉन एच नहीं लिख रहा हूँ, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में समझा दिया है ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपको हर एक क्वेश्चन लिखना है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, एच बी डी की वैल्यू एक्स प्लस 40 10 कितना है आपके पास 30 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो एक्स प्लस 40 अपॉन रूट थ्री, तो ये आ गया इक्वेशन सेकंड, ओके। तो अब चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, आपको वैल्यू तो एच की फाइंड करनी है, लेकिन मैं एक्स की भी पहले फाइंड कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कभी अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे एच की बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली देखिए ध्यान से क्या होगा, ये एच और एच इक्वल, इट मीन्स ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल, एक्स प्लस 40 अपॉन रूट थ्री इक्वल्स एक्स रूट थ्री। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस 40 रूट थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री, एक्स प्लस 40 इक्वल्स 3x, 40 इक्वल्स 3x माइनस x, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है, तो हाइट ऑफ टावर इक्वल्स कितना आ जाएगा, x रूट 3 है, तो 20 रूट 3 मीटर। आप चाहें तो रूट 3 की वैल्यू रख दीजिए, वैसे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो नहीं भी रखेंगे चलेगा, लेकिन रख दीजिए। तो आप देखिए 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4, 2 3 6, 7 2 14 का 4 1, ठीक है, 2 1 2 2 1 1 3। अब पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो 13.64 मीटर आंसर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई आपके पास, 13.64 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स हैं, ठीक है, दो शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप जानते हैं ऊपर से बनता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से बनता है, फ्रॉम अर्थ और फ्रॉम अपर साइड क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप देखिए यहां से ध्यान से, जस्ट सपोज ये आपका लाइट हाउस है, ये आपका क्या है लाइट हाउस, यहाँ पे क्या रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप लाइट हाउस, लाइट हाउस क्या ले लिया अपन ने ए बी, और टू शिप्स कौन कौन से हो गए, सी एंड डी, ये दोनों आपके क्या हैं शिप्स हैं। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ए पॉइंट से सी और डी का, वो 30 एंड 45 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये 30 हो गया और ये वाला आपका कितना हो गया 45। अब हमको जो एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या करनी है, इफ टू शिप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इन दोनों शिप्स के मिड में जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले उसी तरह से लग रहा है हम इन ट्राइंगल ए बी डी, कौन सा ले रहे हैं हम इन ट्राइंगल ए बी डी, अगर ले रहे हैं ये आपने एक्स ले रखा, इसको कुछ नहीं ले रखा, तो इसको क्या ले लेता हूं मैं वाई मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एक्स प्लस वाई मीटर। अब देख लीजिए फर्स्ट में देखें तो आपको बी डी फाइंड करना है, तो बी डी को मैं ऊपर ले लेता हूँ और ए बी आपको गिवन है, ए बी को नीचे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी अपॉन पी, तो इस कंडीशन में क्या आएगा वॉट थीटा, तो बी डी तो हो गया अपने पास वाई और वो हो गया आपके पास 60 और यहाँ पे आया कॉट 45, तो कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 60, y इज इक्वल टू कितना आ गया 60 मीटर, ओके। अब नेक्स्ट ट्रायंगल ले रहे हैं हम, नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है आपके पास, इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें भी देखते हैं तो आप लोग क्या फाइंड करना है x प्लस y, थोड़ा देख लेते हैं क्या है, BC फाइंड करना है और आपको क्या गिवन है AB, तो यहाँ पे भी क्या आएगा cot theta,
तो BC की वैल्यू कितने है आपके पास, x प्लस वाई अपॉन AB की वैल्यू 60, cot आपके पास आएगा 30, x प्लस वाई 60, cot 30 की वैल्यू आपके पास होगी रूट 3, तो आपके पास आएगा 60 रूट 3। ओके, अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, आपको एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों शीट्स के बीच में डिस्टेंस, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू को लेना नहीं है, तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, y इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 60 इक्वल 60 रूट 3, x इक्वल टू 60 रूट 3 माइनस 60, 60 कॉमन निकाला, रूट 3 माइनस 1, 60 1.732 माइनस 1, 60 0.732। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पॉइंट 1000 10 से 10 कैंसिल, अब 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 2 जा 12 का 2, 1 6 2 जा 18, 18 का 1 19, 19 का 1, 6 7 जा 42, 43, अब पॉइंट लगा देता हूँ, कितना आ जाएगा आपके पास 43.92 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, उस डिस्टेंस पे खड़ा है हमें फ्रॉम 30 मीटर हाई बिल्डिंग, तो यहाँ पे 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, क्या है आपकी 30 मीटर हाई बिल्डिंग, PQ। ओके, अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो ये आपका क्या है, OR। Then after when he moves towards the building, then angle of elevation from his eyes becomes 60. Means जब वो यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था एंगल 30 डिग्री था, जब उसने OT डिस्टेंस ट्रैवल कर ली तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया वो 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, O से S तक की डिस्टेंस जो है QR, वो तो हो गई आपके कितनी, x मीटर। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो पार्ट में लेते हैं, ये y तो ये x माइनस y। ओके, अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टू वार्ड्स द बिल्डिंग, मींस हमको y की वैल्यू फाइंड, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल कौन सा लेंगे आपका, PSP। उससे पहले ये क्लियर कर दो कि जैसे इसकी आई से एंगल बन रहा है, एंगल आई से बन रहा है, तो ये डिस्टेंस हम हटा देंगे 1.5 मीटर, तो हमको डिस्टेंस जो कवर मानेंगे, ये डिस्टेंस हाइट मानेंगे, टावर की वो कितनी लेंगे, 30 माइनस 28.5, सॉरी 30 माइनस 1.5, तो ये आएगा 28.5 मीटर। इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन, इन ट्राइंगल PSP, तो PSP में देखें तो हम क्या फाइंड करना है, हमको सबसे पहले ST फाइंड करना है, PSP 1 है। ओके, तो क्या हुआ आपका cot theta, अब आपका ST की वैल्यू कितनी है, ST की वैल्यू x माइनस y और PSP की वैल्यू 28.5 cot 60, cot 60 की आपकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन रूट 3, तो 28.5 अपॉन रूट। ओके, x माइनस y की वैल्यू आ गई, अब पूरा देखें तो अपन क्या है, x, x की वैल्यू निकाल लीजिए इन ट्राइंगल, अब हम ले रहे हैं कौन सा, PQR। ज्यादा बेटर ये रहेगा आप इसको क्या लें, इसको x लें और इसको y लें और इसको क्या लें, x प्लस y, ये ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका y। ओके, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी इन ट्राइंगल, अब हम क्या ले रहे हैं, PQR ना लेके हम लेंगे PSO, क्या लेंगे PSO, तो इसका हमको फाइंड करना है SO अपॉन PS, ये भी होगा आपका cot theta, SO की वैल्यू x प्लस y और PS की वैल्यू है आपके पास 28.5। ओके, तो cot आपकी वैल्यू है वो आ गई आपके पास cot 30,
the quadratic value root 3, x plus y equals 28.5 root 3. अब यहाँ देखिए y की वैल्यू ये आ गई है, ओके, एंड x की वैल्यू ये आ गई है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को जो फाइंड करना है वो अब क्या फाइंड करना है, x, हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखना कैसे, y की वैल्यू आपको पता रहता है, by equation first and second, by equation first and second, x plus 28.5 upon root 3 equals 28.5 root 3. x is equal to 28.5 root 3 minus 28.5 upon root 3. By taking LCM root 3, 28.5 root 3 से root 3 का multiply होगा क्या हो जाएगा 3 minus 28.5 upon root 3. इसको आप solve करेंगे तो आपके पास आएगा 57 upon root 3. Then आपको क्या करना है, rationalization root 3 upon root 3. Rationalization वाला answer आएगा आपके पास 57 root 3 upon 3, 3 से कट जाएगा 19 टाइम, 19 root 3 मिलेगा, ये आपका आंसर है, चाहे तो आप root 3 वैल्यू पुट कर सकते हैं. ये क्वेश्चन एक कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. Find the height of the tower. तो ये क्वेश्चन आई थिंक सो आपको सेल्फ कर लेना चाहिए. नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो पहले आपको सुंदर क्वेश्चन को. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर है, टावर क्या है आपका, टावर है आपका ए बी, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग आपकी क्या है सी डी. तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये एंगल आपका डिप्रेशन एंगल जो बन रहा है ये 45 बन रहा है और इस टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल वो 60 डिग्री बन रहा है. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 आ गया. अब आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ये 7 गिवन है, ये भी 7 हो गया, इसको आप क्या मान लेंगे एच, और फाइनली टावर की हाइट क्या आएगी एच प्लस 7. तो आपको एच की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले इस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये एक्स आएगा इसके इक्वल, ओके, और इस पहले इस ट्राइंगल के थ्रू एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एक्स और एच इन दोनों की वैल्यू के थ्रू आप क्या फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू के थ्रू एच की वैल्यू फाइंड करेंगे और एच प्लस 7 करेंगे. तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है, अगर नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. आपको एच की वैल्यू फाइंड करके टावर की हाइट फाइंड करने के लिए एच प्लस 7 करना होगा, ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल इन इस साइड एट टू पॉइंट्स ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशंस आर 30 एंड 45 डिग्री. तो दो पॉइंट्स के एंगल दे रखे हैं 30 डिग्री है 45 डिग्री, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बोल रखी है 1 किलोमीटर. देन फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल फाइंड करनी है. ये h नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी अगर देखा जाए तो आपको सी डी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर, और आपको ये x, तो आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ हिल. तो इस क्वेश्चन को नॉर्मली मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. एन ट्राइंगल पहले लेंगे अपन एबीसी, तो एबीसी में क्या करोगे, ए बी अपोन बी सी, क्योंकि अपने पास दोनों ही नहीं है, इज इक्वल टू 10 थीटा. तो AB की वैल्यू आपके पास H और इसकी X 10 45 10 45 की वैल्यू वाला, तो X is equal to X आपके पास आ गया, ओके. अब आपको इन ट्राइंगल ABD, इसमें आपके पास हो जाएगा AB upon BD equals 10 theta. तो AB की वैल्यू आपके पास H और BD की वैल्यू आपके पास हो गई X plus equals 10 30. अब यहाँ पे आपको h की जगह x रखना है, क्योंकि h और x equal है और नीचे x plus 1 है, 10 30 की वैल्यू रखनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी h की. इस तरह से आपका हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा. इसके आगे आपको क्या करना है, डू योर सेल्फ, ओके. देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ओके. अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं पहले क्या है.
सबसे पहले इस क्वेश्चन को पूरा समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, यहां पे हमने ये ले लिया ये क्लाउड सी पॉइंट, ओके, फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अबव द लेग, ये आपका लेग का जो सरफेस है वो हो गई बी, ये आपका एफ पॉइंट ई, और यहां आपका है सी पॉइंट, ये आपका ए। 20 मीटर अबव लेग से कितना अबव 20 मीटर, ये आपकी 20 मीटर हाइट हो गई। एंगल यहां से जो बन रहा है क्लाउड का कितना बन रहा है ये 30 डिग्री, ओके। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, अब इसका रिफ्लेक्शन जो बनेगा अगर ये हाइट h है और ये 20 है, तो टोटल जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो h प्लस 20 मीटर हाइट के नीचे बनेगा। तो आप देख लीजिए रिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो कौन सा है, d पॉइंट, ये आपका इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है, ओके। तो अब आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे, पहले ए डी ई, मैं पहले कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये डिप्रेशन एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, ओके। तो अब देखते हैं ए ट्राइंगल ए डी ई, सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना होगा, देखते हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए, मींस हमको फाइंड करनी है ए सी, ए सी फाइंड करनी है, तो हमने ट्राइंगल लिया ए डी ई, सबसे पहले हमको ए ई फाइंड करनी है, ओके। ए ई फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, ए ई अपॉन डी ई, डी ई टोटल कितना है देख लीजिए आप, ये टोटल कितना आएगा एच प्लस 20 प्लस 20, मीन्स टोटल आएगा एच प्लस 40, ओके। तो अब देख लेते हैं आपके पास ये क्या आएगा, ए ई ए ई बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो कॉट थीटा, ए ई की वैल्यू निकाल ली हमको, डी ई की वैल्यू कितनी है अभी फाइंड करी हमने, एच प्लस 40 कॉट 60, कॉट 60 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी क्या 1/√3, तो ये आ गया एच प्लस 40 अपॉन, ये क्वेश्चन पार्ट आ गई, ए ई की वैल्यू आ गई है। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सी ई, ठीक है, सी ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन ट्राइंगल हम दे रहे हैं कौन सा ए सी ई, तो ए सी ई के अंदर हम क्या देखते हैं, ए सी पहले आपको क्या सी ई फाइंड करना है, सी ई अपॉन ए ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा टेन थीटा, E की वैल्यू कितनी है H, A की वैल्यू अपने पास आ चुकी है क्या H प्लस 40 अपॉन रूट 3, ओके, ये डाउन साइड है, tan थीटा tan 30 है यहाँ पे। अब इसको आगे देखा जाए इस साइड हम देखते हैं एक बार कितना आएगा, रूट 3 ऊपर चला जाएगा, रूट 3 H अपॉन H प्लस 40, ओके, tan 30 वैल्यू होगी आपके पास 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री इधर आएगा 3h और इधर आएगा h प्लस 40, अब देख लीजिए क्या आएगा 3h माइनस h इक्वल्स 40, तो 2h इक्वल्स 40, h इक्वल्स 40 डिवाइड बाय 2 20, h की वैल्यू आ गई 20, ओके, तो एच की वैल्यू 20 आ गई, तो हम इसी तरह से ए सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ए सी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ क्लियर यहाँ से इस सेकंड, अगेन इन ट्राइंगल ए सी ई, अगेन ट्राइंगल ए सी की ले रहा हूँ मैं, तो ए सी अपॉन आपका क्या गिवन है सी ई आ चुका है सी ई, अब ध्यान से देखिए ये आपका हाइपोटेनियस ये आपकी परपेंडिकुलर, तो आपका क्या आएगा कॉसेक थीटा, ए सी कितना हो गया आपका, ए सी फाइंड करना है और सी ई, सी ई कितना है आपके पास एच कॉसेक 30, ठीक है, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी AC is equal to cosec 30 की वैल्यू 2
साइन 30 का रेसिप्रोकल साइन 30 की 1/2 होती है इसकी 2 h h की वैल्यू 20 40 हो गया आपका आंसर ठीक है। तो ये आपकी एस सी की वैल्यू आ गई ओके। अभी इस वीडियो में अब यहाँ तक ही क्वेश्चन करेंगे हम, बाकी ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।